प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो करंट की चालकता घट जाएगी, करंट की चालकता घट जाती है। अब इसमें एक चीज पूछता है कि तापमान बढ़ाने पर जितना ज्यादा गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। अब आप बताइए कोई कंप्यूटर है या कोई चीज है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, क्या हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो गया है, अगर गर्म हो गया तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, उसकी चालकता घट जाएगी, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, हाई प्रतिरोध को किसे नापते हैं? यूनिट ओम होती है भैया, ये क्या लिखे है, ओम लिखे तो है, लेकिन अगर आप वही प्रतिरोध चालकता का मात्रक मानेंगे तो ये ओम का उल्टा होता है, एक बटे ओम होता है, एक बटे ओम, या इसको जो ओम लिखा जाता है ना, ओम जैसे देखिए ओ एच एम होता है ओम, तो उल्टा करेंगे तो महो हो जाता है, महो, ओम का ये उल्टा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, महो या एक बटा ओम कहते हैं। तो प्रतिरोध और चालकता में अंतर समझ में आ गया। करंट ले जाने की कैपेसिटी चालकता कहलाती है और उसे रोकने की क्षमता क्या कहलाती है भैया, उसे रोकने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, ले जाने की क्षमता चालकता, दोनों एक साथ नहीं होती है। अगर किसी चीज में प्रतिरोध कम है तो आपको बहुत फायदा होगा, बिजली का लॉस बहुत कम होगा, बिजली का लॉस क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो बिजली का लॉस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पीछे से वोल्टेज लगाइएगा तब पहुंचेगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा। जैसे कोई सड़क ऐसे, मान के चलिए कोई सड़क ऐसे और इस पे आपको क्या चढ़ाना है, ठेला चलाना है, तो ठेलवा चढ़ तो जेबे करेगा, मेहनत कितना लगेगा, बहुत भयानक मेहनत लगेगा। इससे बेहतर है कि इसका प्रतिरोध घटा दीजिए, ऐसे जो तो ऐसे नहीं हो रहा है, इसका प्रतिरोध क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं, ठेला ऐसे हो जाएगा, हैंग एंड झुका दिए तो हड़ाक से उतर जाएगा, ठेले उतर जाएगा। तो प्रतिरोध हर जगह लगे रहते हैं, प्रतिरोध को कम करने के लिए वस्तु को ठंडा करना पड़ता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, यानी लगभग 4 केल्विन, 4 केल्विन की बात अगर आप करिएगा तो वो लगभग लगभग हो जाता है -250 डिग्री सेल्सियस। तो -250 डिग्री सेल्सियस से लगभग 4 केल्विन पर जो मरकरी होता है पारा, वो आपका उसके अंदर प्रतिरोध क्या हो जाता है, विरोध करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो उसके अंदर करंट को ले जाने की क्षमता यानी चालकता बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम लोग अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी नॉर्मल लाइफ में देखने को नहीं मिलती है, इतना ठंडा टेम्परेचर करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, जो बिजली बचा रहे थे ठंडा करने में लेके चले जाएंगे। तो ये बात जरूर है कि ठंडा करेंगे तो बिजली की बचत हो जाती है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है। सुपर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, जब प्रतिरोध खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, अति चालक, अति चालक, सुपर कंडक्टर यानी अति चालक। क्या हो जाता है भैया, पारा हो जाता है 4 केल्विन पर, पारा हो जाता है कितने केल्विन पर, 4 केल्विन पर पारा क्या हो जाता है भैया, सुपर कंडक्टर हो जाता है। अब यही यहाँ सुपर कंडक्टर तो लाया नहीं जाएगा, किसको इतना फुर्सत है कि -250 डिग्री सेल्सियस करेगा केल्विन को, तो उससे बेहतर होता है कि हम ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता क्या होती है, ऐसे चीज़ों की तलाश करें जिसकी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी चालकता ज़्यादा यानी प्रतिरोध कम होती है। तो हमें मिलता है चांदी, चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, ये सब चीजों की चालकता ज्यादा होती है। अब आप बताइए बिजली का तार किसका बनाना चाहिए, चांदी या तांबा? भाई साहब चांदी का तो बनाना चाहिए, लेकिन खोल ले जाएगा सर बिजली का तार, बिजली की तार को क्या करेगा सर, चोर सब चोर चुरा के लेके चले जाते हैं सर, बहुत खतरनाक खतरनाक होता है सर, चोरी वगैरह जानते हैं। डर जब तक नहीं बनाइएगा ना, डर तब तक चुरा कोई नहीं कर सकता है। सरकार कभी भी अगर इस देश में नेता नहीं रहे सब तो क्राइम भी नहीं होगा। खैर छोड़िए फिजिक्स में पॉलिटिक्स की बात क्या किया है। तो चांदी तो बेहतर होता है, चांदी क्या होता है, बेहतर होता है, लेकिन आदमी तांबा या एल्यूमिनियम का प्रयोग करता है, एल्यूमिनियम
सस्ता होता है, तांबा थोड़ा महंगा होता है, तो कॉपर ऑयल कॉपर वायर जो होते हैं ना थोड़े से महंगे हो जाते हैं। ठीक है, आप समझिए। अब इसमें आगे बढ़ जाए ना, कॉपर वायर में अब इसी वायर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, कॉपर वायर का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, चांदी का प्रयोग कम किया जाता है। चांदी का प्रयोग लगभग ना बराबर किया जाता है, कोई छोटा मोटा डिवाइस है जैसे MCB वगैरह का, थोड़ा सा चांदी लगना है वहाँ लगा देता है, नहीं तो इतना फुर्सत है किसी को चांदी लगाएगा यहाँ पे खोल के लेके चल जाएगा, सब बिजली काट के सब काम खत्म हो जाएगा। कॉपर वगैरह का यूज, कॉपर ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने घरों में अगर कोई अप्लाइंस लगाना होगा तो आप उसको किसका लगाएंगे, कॉपर का लगाएंगे। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन जो अर्ध चालक होते हैं सेमी कंडक्टर, उनका उनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। तो सेमी कंडक्टर जब पढ़ाएंगे उस चैप्टर में आपको बताएंगे, अभी के लिए मतलब इस चैप्टर में तो बताएंगे नहीं क्योंकि ये तो चालक का चैप्टर है।